अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग होता है यहीं से शुरू और आप लोगों को वेदर चेक करवा रही हूँ। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह भी मेरे ख्याल से बारिश हुई है, पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ हुआ है बाहर। ये देखिए जी, वेदर देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा हुआ हुआ है। ग्रीनरी चेक करें बस, सलामत की ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है और पानी पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि बारिश हुई है। तो जी बस उठ गई हूँ मैं, दो चार दिन से ब्लॉग्स नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी। इंशाल्लाह अब से दोबारा से ब्लॉग बनाना शुरू करेंगे, डेली ब्लॉग। और अभी मैं उठ गई हूँ, अभी हम करेंगे नाश्ता, तो नाश्ते में मिलेंगे। उसके बाद हमने जाना है एक जगह, तो वो आप लोगों को मैं बताऊँगी थोड़ी देर में कि हमने अभी कहाँ जाना है। मेरे हाथ में पता नहीं क्या लग गया, तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ, यहाँ डबल रोटी बन रही है, यहाँ ऑमलेट बन रहा है, रोमान का मेरा एक एक बॉईल हो रहा है, चाय भी बन रही है। बस अभी हम करेंगे नाश्ता। हाय गाइस, अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और आज मेरी ट्यूशन छुट्टी की थी और आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है। तो नाश्ता ख़त्म हो चुका है और एक भी डबल रोटी बची है, काविश खाएंगे अभी आके। काविश ने नाश्ता नहीं किया है। टाइम दिखाती हूँ आपको, 2 बज रहे हैं इस वक्त, 1:45 हो रहे हैं। चले जी, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और बस निकलेंगे अब हम लोग। मैंने कहा था कि सरप्राइज़ है, हम कहीं जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं डाइनो पार्क, तो मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था नाश्ते पे कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। देख के तो आपको लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग आज जा रहे हैं डाइनो वैली। हमारे घर के मर्द हजरात जो हैं वो तैयार होने में बहुत टाइम लगाते हैं, औरतें जल्दी तैयार हो जाती हैं और यहाँ उल्टा ही है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था चलें अब चलते हैं, अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, रास्ते का भी अभी चलें जी। तो PWD का रश चेक करवाती हूँ मैं आप लोगों को कि कितना ज़्यादा रश, और अभी हम यहीं फंसे पड़े हुए हैं, अभी तक PWD में ही है। चलेंगे तो शाह फैसल मस्जिद भी आप लोगों को मैंने दिखा दी है साथ साथ। वैसे गलत आ गए हैं हम, हैं हमें कट लेना था, कट भूल गए, तो अब यहाँ से मुड़ेंगे और फिर आगे से कट लेंगे। तो काविश ने हमको फिर दोबारा एक बार फिर दोबारा बाहर से ही शाह फैसल मस्जिद दिखा दी है। चलें जी, तो अभी हम E7 में रुके हैं, हम जल्दी का पैम्पर चेंज करना था, तो काविश ने कहा E7 दिखाता हूँ तुमको, जहाँ पे शुएब अख्तर भी रहता है। तो ये स्नेल नज़र आ गया है, एक स्नेल देख रहे हैं हम लोग, और रोमान मैडम है और वो उधर काविश दूर अपना फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। तो बस जिसके पास आईफोन होता है वो बस हर जगह रुक रुक के फ़ोटो शूट करवा रहा होता है। तो जी ये E11, और यहाँ बिल्ली देख रहे होंगे आप लोग, नज़र आ रही होगी आप लोगों को, पेड़ पर बैठी हुई है बिल्ली, ज़रा गौर से देखें तो बड़ा ही कोई पुरसकून माहौल है यहाँ का, यहाँ शुएब अख्तर साहब रहते हैं। अभी यहाँ की एक दो गलियों का विज़िट करेंगे और निकलेंगे बाहर की तरफ। पेड़ चेक करें, दरख्त चेक करें, क्या हसीन दरख्त लगे हुए हैं, यही खूबसूरती है इस्लामाबाद की। चलें जी, तो अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं, हम ऊपर चढ़ रहे हैं। हाइकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा
वन रोड है और यहाँ हाइकिंग भी होती है, जॉगिंग करने के लिए अलग रास्ते बनाए हुए हैं लोगों के। तो ये देख रहे होंगे आप, एक तरफ से गाड़ी जा रही है, एक तरफ से गाड़ी आ रही है, लोग नीचे उतर रहे हैं, मोनाल से रश देखें आप, गाड़ियाँ देखें कि कितना ज़्यादा कोई रश है। और ये वन वे रोड है, बहुत ही कोई ख़तरनाक रोड है ये। चलें जी, तो लोग बाइकों पे भी जा रहे हैं और वाकई में बाइक पे जाने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि गाड़ी तो जगह जगह रुक जाती है, रश चेक करें कितना रश है, तो बाइक वाले जो वो आराम से कुछ ना कुछ करके निकल जाते हैं। मैंने काविश को कहा कि एक हैवी बाइक लें, तो मैं और काविश जाएंगे इंशाल्लाह ताला बाइक पे। तो ये जंगल दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये पूरी खाई है नीचे, मोबाइल हाथ निकाल के बाहर निकाल के मैंने वीडियो बनाई थी, काविश करते मोबाइल गिर जाएगा, अंदर करो हाथ। तो रश चेक कर रहे हैं आप, दूर दूर तक रश देखें, आने की भी और जाने की भी बहुत ज़्यादा, दोनों रोडों पे रश है। 7 किलोमीटर डायनो वैली रह गया है हमारा। ये पहाड़ देखें आप, ये चेक करें बस, ये खूबसूरती चेक करें इस्लामाबाद की, और रश भी चेक करें। चलें जी, तो यहाँ से पूरा इस्लामाबाद, शाह फैसल मस्जिद सब साफ नज़र आ रहा है, कितना ही कोई हसीन मंज़र है ये। जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ, कुछ मंज़र ऐसे होते हैं जो सिर्फ आँख से आप देखें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, हर चीज़ को हम कैमरे में नहीं फिक्स कर सकते, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो कोई सा भी कैमरा हो, लेकिन बस आँख की जो खूबसूरती है ना, उसकी बात ही अलग है। तो देखें पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है आपको यहाँ से, हम कितनी ऊँचाई पर हैं अभी। चलिए जी, तो अभी तक हम डायनो वैली नहीं पहुँचे हैं, हमें पहुँचते पहुँचते मगरिब होने वाली है, और देखते हैं कि हम लोग अब कब पहुँचेंगे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, गाड़ी बहुत ज़्यादा रुक रही है। और ये चाँद भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मुहर्रम का चाँद देखें, बहुत ही बारीक सा चाँद था। तो ये लाइन से गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये मुनाल आ गया है, और मुनाल की सारी पार्किंग लगी हुई थी उधर, काविश कह रहे बस मुनाल पर उतर जाओ, लेकिन नहीं, अब जहाँ तक यहाँ आए तो थोड़ा सा ऊपर जाने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो मगरिब हो जाएगी, लेकिन चलते हैं। चलें जी, तो अंधेरा होता जा रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे अंधेरा होता जा रहा है। और जी, ये घने घने जंगलात दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, और यहाँ जो है वो शेर भी आ जाते हैं, टाइगर जो है वो यहीं पाए जाते हैं, और यहाँ से निकल के आ जाते हैं। हम लोगों ने अपनी गाड़ी के शीशे बंद किए हैं, क्योंकि काविश ने मुझे डरा दिया था कि यहाँ टाइगर आ जाता है अचानक। तो खैर, चलें जी, तो आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो गया और यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है, अब यहाँ से हम पैदल जाएंगे। चांद दिखा रही हूँ आप लोगों को साथ साथ, और ये वो रहा सामने डायनो वैली। तो रोमान को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई भी है, लेकिन यहाँ चलना बहुत पड़ता है। बना ली बेबी, मैंने आपकी बनाई है। चलें जी, तो यहाँ से लेना है हमने टिकट, और टिकट लेंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर। और ये जो पार्क है ये बहुत बड़ा है, इसमें आपने चलना ही चलना है। अभी हम ऊपर चढ़ने लगे हैं, बस सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऊपर चढ़ना है, फिर 3-4 मंजिला मुझे लगता है ऊपर चढ़ना है हमने।
चलें जी फाइनली ऊपर पहुंच गए। और यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज संडे है, संडे वाले दिन हम लोग आ गए। रश बहुत ही ज़्यादा है तो अभी जाएंगे हम लोग ऊपर। तो जी यहाँ पे 3 डायनासोर बने हुए हैं और यहाँ डायनो वैली भी लिखा हुआ है और यहाँ म्यूज़िक भी साथ साथ चल रहा है। आजो चलो पर आजो। अब्दुल आदि क्या हो रहे, डर क्यों लग रहे? रुमान इधर देखो, रुमान हाँ खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो, मुझे देखो। चलें जी तो ये एक और डायनो वैली अंदर बना हुआ है, यहाँ हमने टिकट देना है तो हमें अंदर जाना है और ऊपर फिर ऊपर जाना है, 3 मंजिला और ऊपर चढ़ के जाएंगे तो आप पूरा पार्क घूम सकते हैं। ये तो यूँ दिखाना पड़ेगा। अब्दुल हादी आओ ऊपर चले बेटा, और आ जाओ। चलें जी तो काविश हमारी टिकट लेने के लिए गए हैं, अभी टिकट आएगी तो फिर मैं और रुमान अब्दुल हादी हम तीनों जाएंगे अंदर पार्क के अंदर। तो हम लोग आ गए हैं डायनो वैली के अंदर, यहाँ की टिकट हमने भरी है तो हम 3 मंदिर की टिकट ली है, काविश ने मेरी, रोमान की और अब्दुल हादी की। यहाँ डायनासोर हैं और बहुत सारी चीज़ें, देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये डायनासोर ये देखें, ये चल रहा है, इसकी दुम भी हिल रही है। अब मैंने अकेले वीडियो बनानी क्योंकि काविश नहीं आए साथ। ये आप नहीं कर सकती बेबी, आप गिर जाओगी। अब जा रही है देखो, अंदर जा रही है। चलें जी यहाँ इन्होंने एक बच्चों का प्ले एरिया बनाया हुआ है, बकायदे झूले लगे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो बस, मेरे बच्चे झूले देख के पागल हो जाते हैं और बस अब ये झूलों पे चले गए हैं। मुझे अभी और मज़ीद ऊपर भी जाना है लेकिन मुझे नहीं लगता मैं आज ही ये पूरा देख पाऊँगी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, हमें घर भी वापस जाना है। वैसे दिन का व्यू ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ क्योंकि दिन में ये होता है कि आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और दिन में आप फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ इस्लामाबाद मुझे दिन में अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ ग्रीनरी बहुत है। रात में अंधेरा है क्या? अंधेरे में नहीं मुझे कुछ समझ आता, लेकिन बाहर बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। इधर
चलिए तो यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं हमें और ऊपर जाना है। मैंने कहा था 3 मंजिला तकरीबन हमने ऊपर चढ़ना है। यहाँ डायनासोर आदमियों को नज़र आ रहा होगा और अभी यहाँ सेकंड फ्लोर पे जो है ना इन्होंने बच्चों के झूले वगैरह बनाए हुए हैं। ये नीचे सबसे नीचे इन्होंने बड़ों के बनाए हुए हैं और सेकंड पे बच्चों के और थर्ड पे इन्होंने और डायनो वैली एक और बनाया हुआ है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सक रही हूँ क्योंकि मैं थक रही हूँ, बच्चों के साथ चलना बहुत है इधर। तो फिलहाल अभी मैं इन लोगों को झूले पे बिठाऊंगी झूले झुलाऊंगी और फिर हो सकता है नीचे चली जाऊँ क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। मैं यहाँ बैठूँ बैठती दिन में ना तस्वीरें अच्छी आती हैं। हाँ मैं तो समझ रही थी बैठने का। भाई असली है ये, असली है ना? आई डोंट नो, मिट्टी से बना है। चलें जी, तो इन लोगों ने यहाँ पे म्यूज़िक एरिया बनाया हुआ है और बच्चे यहाँ पे आके अपने अपने इंस्ट्रूमेंट जो भी अच्छे लग रहे हैं उससे म्यूज़िक बजा रहे हैं। चलें तो अभी हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं, हम लोगों को भूख भी लग रही है। मैं थर्ड फ्लोर पर नहीं गई हूँ क्योंकि मैं खाली पेट थी, तो मैं कैसे अब ऊपर मज़ीद लेके जा सकती हूँ बच्चों को। अभी मैं बाहर निकलूँगी और व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो पार्ट 1 यहीं तक था। मिलेंगे कल के व्लॉग में, पार्ट 2 आपको देखने के लिए कल का व्लॉग भी लाजिम देखना होगा। तो बस अभी वापस जा रही हूँ मैं, अभी हम खाएँगे खाना। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।